असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने कड़क तेवरों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कहा तो ये तक जाने लगा है कि अगर बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड मुख्यमंत्री का नाम लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ के बाद नाम हिमंता बिस्वा सरमा का ही आता है। और अक्सर जिस तरह से वो मुसलमानों को लेकर फैसले ले रही है, असम में मौजूद मदरसों को लेकर ताबड़तोड़ उनके फरमान सामने आ रही है, इसको लेकर उनकी तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ से की जाने लगी है। बहुत वक्त से सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ी हुई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई सबसे जबरदस्त, सबसे धाकड़ और सबसे ज्यादा तेवर वाला मुख्यमंत्री कोई बीजेपी की तरफ से है तो वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ही है। और देखिए, या फिर ओवैसी हो या फिर कोई भी मोदी विरोधी, जिस तरह से लताड़ते हैं हिमंता बिस्वा सरमा, वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की याद ही दिलाता है। उनके बयानों में योगी आदित्यनाथ की झलक दिखाई देती है और यही वजह है कि दोनों दिग्गजों की तुलना होनी अब शुरू हो गई है। हालांकि इन सब के बीच जब इंडिया टीवी के सबसे पॉपुलर शो आपकी अदालत में हिमंता बिस्वा सरमा पहुंचे तो यही सवाल उनसे वहां पर भी किया गया। उनसे पूछा गया कि आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से होती है तो ऐसे में उग्र हिंदुत्व को लेकर आप दोनों के बीच में क्या कोई मुकाबला चल रहा है? इसके जवाब में हिमंता बिस्वा सरमा ने जो कहा उसने सबका दिल जीत लिया और ये सबको बता दिया कि दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ अपने राज्य की जनता के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ परेशान रहते हैं, ठीक उसी तरह से हिमंता बिस्वा सरमा परेशान है और इसीलिए दोनों में समानता नजर आती है। सवाल जब उनसे हुआ तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि देखिए, मैं एक बहुत छोटे से राज्य से आता हूँ। बात करें योगी आदित्यनाथ की तो वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के सीएम हैं। कृपया एक सेब और संतरे की तुलना ना करें। असम को लेकर मेरे कुछ सपने हैं और मैं उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के आशीर्वाद से मैं उन्हें पूरा करने जा रहा हूँ। इसके अलावा हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम युवा आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि ये देखना उनके परिवारों की जिम्मेदारी भी है कि उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है। मैं मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रगतिशील इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ भी कुछ ऐसे ही कड़क तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं जब उनसे पूछा जाता है मदरसों को लेकर सवाल। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले यूपी में मदरसों के सर्वे कराने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद काफी हो हल्ला मचा। मुस्लिमों ने इसे विरोधी फैसला बताया और इसी के साथ साथ कहा कि मदरसों को बंद करने का ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का इस पर जवाब सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर मदरसों में गलत तालीम आपके बच्चे को दी जा रही है तो फिर ये देखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सरकार तो बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है और अगर मदरसों का निरीक्षण होता है तो ये अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ इसी तरीके से, इसी तर्ज पर असम के मुख्यमंत्री काम करते हुए नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ बयान भी दे रही हैं। अब देखिए ना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मदरसों को बंद सिर्फ इसीलिए करना चाहता हूं ताकि मुस्लिम युवा आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और ये उनके परिवारों की भी जिम्मेदारी है कि मदरसों में या फिर जहां भी वो तालीम ले रही हैं उन्हें क्या तालीम दी जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, मैं मुस्लिम समुदाय के लिए प्रगतिशील इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं और यही वजह है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, अब जिस तरह से अपनी तुलना सीएम योगी से होने के बाद उन्होंने सेब और संतरे का एग्जाम्पल दिया वो काफी ज्यादा चर्चा में है और लोग उनके इस बयान की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।